आजकल फसल विविधीकरण की ज़्यादा बात होती है कि हम जो अनाज की खेती या करते आ रहे हैं लगातार, खरीफ में भी अनाज, रबी में भी अनाज, तो उसको बदल करके कुछ फसल चक्र में नई चीज़ डालें, कुछ विविधीकरण करें, और उसमें जो हमारी दूसरी फसलें हैं, चाहे वो बागवानी की फसलें हैं, तो वो उद्यानिक फसलें जो हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनका समावेश करें। तो रुझान बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन उन फसलों के जानकारी, जो परंपरागत फसलें हैं उससे हट के अगर हम कोई खेती करते हैं तो इसकी जानकारी भी ज़रूरी होती है। तो इसी तरह वर्धा ज़िले के, महाराष्ट्र के एक किसान हैं नौशाद शेख, ये कुछ विविधीकरण करके अदरक की खेती शायद करना चाहते हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या जानकारी चाहिए और फिर इनकी समस्या का समाधान करेंगे। हेलो नौशाद शेख जी, आपने, मैं ग्रीन टीवी से बोल रहा हूँ, क्या जानना चाहते हैं? सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम जैसे महाराष्ट्र में है ना, हाँ हाँ, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट वर्धा है जी, वहाँ से सर, तो हम इधर कर सकते क्या झींगे की फार्मिंग? हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। सर वो कितने दिन का क्रॉप रहता है? तो झींगा देखिए, आपके यहाँ महाराष्ट्र में तो जो हमारे समुद्र के तट वाले इलाके हैं वहाँ हो ही रहा है झींगा की खेती, और सम अंदर जमीन की तरफ अगर हम आए इनलैंड तो वहाँ भी हम कर सकते हैं झींगा की खेती। इसमें सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है झींगा की खेती में, और आपके यहाँ जिले में मत्स्य अधिकारी होंगे, मत्स्य अधिकारी, फिशरी ऑफिसर है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, तो ये आपको बताएंगे कि वहाँ सरकार की क्या सहायता है, क्योंकि इसका जो आप जो पॉन्ड बनाएंगे, तालाब बनाएंगे पानी रखने के लिए, उसमें भी सरकार की सहायता है, और कहाँ से आपको बीज मिलेगा, पहली बार कहाँ से लेंगे, तो उनकी जो नर्सरी हैं जो वहाँ से कहाँ कहाँ हैं पास में, उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो आप अपने ज़िले के मत्स्य अधिकारी, जो मछली पालन विभाग है, वहाँ से संपर्क करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।